नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरी YouTube चैनल एंड Facebook पेज पे इट्स मिक्स पंच विद सुपर्णा। सो बिग बॉस 18 स्टार्ट हुए अभी बहुत दिन हो चुका है एंड फाइनली बिग बॉस बहुत अच्छा भी जा रहा है, मतलब लास्ट सीजन से तो बहुत अच्छा जा रहा है। एंड OTT तो भाई इतना बकवास था, उससे तो कई 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 ज्यादा बेहतर जा रहा है। और TRP चार्ट पे भी सलमान सर आते ही वीकेंड का वार पे बहुत ही ज्यादा धमाल भी मचा रहा है बिग बॉस 18। बिग बॉस 18 पे अभी जो स्टार्ट हुआ है इनिशियल डे पे, कुछ लोगों का नाम बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है, उसमें एक नाम है अविनाश। जी हाँ, अविनाश जो छोटे पर्दे पे काम किया है और बहुत सारा काम करते हैं, अविनाश को मिल रहा है बहुत ज्यादा लाइमलाइट बिग बॉस 18 पे। उनका यूनिक अंदाज की वजह से उनको ज्यादातर लोगों से प्यार मिल रहा है बाहर की दुनिया में। वही घर के अंदर का बात करूं तो पूरा घर हो रहा है अविनाश का अगेंस्ट। लेकिन क्या हुआ है, चलिए बात करते हैं। तो लाइव फीड पे फिर से एक चीज सामने आया है जहां पर अविनाश के साथ पूरा घर का, ऑलमोस्ट पूरा घर का झगड़ा हो चुका है। लेकिन किस बात के ऊपर हुआ है, चलिए बात करते हैं। सो बेसिकली किचन ड्यूटी, मतलब वही लंच वगैरह डिनर वगैरह के बात हो रहा था जहां पर अविनाश और ईशा ये लोग डिसाइड करते हैं कि लंच पे वो लोग बनाएंगे खाना जिसमें रहेंगे अविनाश खुद, ईशा, एलिस एंड सरा, तो ये चार जन रहेंगे। तो उन बिटवीन ईशा बोलते हैं ठीक है मैं बर्तन कर दूंगी, लेकिन यहाँ पर ईशा को टोकते हुए अविनाश बोलते हैं कि रुक तू ज्यादा बात मत कर, वो कोई और कर लेगा। ये चीज जो होता है वो सुन लेती है, जी हाँ, शिल्पा शिरोदकर। शिल्पा शिरोदकर मतलब शिल्पा जी का वैसे ही प्रॉब्लम है अविनाश से, तो वही चीज को बाहर आते हुए वो हाईलाइट करते हैं सबके सामने। पहले तो थोड़ा बहुत उठाता है कि कौन करेगा कौन करेगा, उसके बाद ये चीज को सामने लगता है कि अविनाश ने कहा है, जिसके बाद अविनाश के अगेंस्ट पे सब लोग हो जाता है। लेकिन अविनाश का कहना ये था अगर हम लोग ही सब चीज करेंगे तो इसमें जो बाकी लोग रहता है जैसे करण, शिल्पा, ये लोग खुद क्या करेंगे। तो ये पॉइंट जो है अविनाश उठाते हैं, लेकिन इस बिटवीन जो है घर के बाकी लोगों के साथ उसका फिर से हो जाता है झगड़ा। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि अविनाश के लिए उनका खास दोस्त ईशा या एलिस कोई सामने नहीं आता। वो चीज डेफिनेटली अविनाश को भी खराब लगता है। अविनाश जाकर बोलते भी है कि तुम लोग क्यों नहीं आते, अगर मैं गलत भी हूँ मुझे साइड करके समझाओ, लेकिन एटलीस्ट मेरे लिए तो आओ, कुछ तो बोलो। तो वही चीज ईशा नलेश भी बोलते हैं कि भाई तुम्हारा गलती है, तुम ओवर हाइपर हो जाते हो तो ये चीज मत करो। तो वही चीज ये चीज होता है। तो इसमें अविनाश के अगेंस्ट पे फिर से पूरा घर हो जाता है। फिर से अगर प्रोमो देखे तो पता होगा फिर से प्रोमो पे आया अविनाश के साथ फिर से लड़ाई होने वाला है। लेकिन जो भी हो, आप हो किसका साथ, अविनाश सही या अविनाश गलत, क्या है आपका सोच जरूर कमेंट करके बताना। एंड जाते जाते यस डू सब्सक्राइब माय चैनल, भाई फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो सुपर थैंक्स भी कर सकते हो। एंड साथ ही में अगर फेसबुक से देख रहे हो तो डू लाइक एंड फॉलो। बाय बाय फॉर नाउ।